हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक नई तस्वीर उकेर रहा है। आवासीय परियोजनाओं से लेकर खेल सुविधाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना तक ये योजनाबद्ध विकास को साकार कर रहा है। एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का सार है। ओम परमात्मा का प्रतीक है जो हमें उस असीम शक्ति से जोड़ता है। इस ध्वनि में शांति है, शक्ति है और जीवन की सभी धारणाओं को समाहित करने का अद्भुत सामर्थ्य। पार्वती पतये हारा 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 महादेव। हिमालय से निकलती गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि जीवन का प्रवाह है। गंगोत्री के पवित्र ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए गंगा माँ धरती को अपनी शीतलता और पवित्रता का उपहार देती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहती हुई गंगा अपने साथ जीवन। हरिद्वार का वो पवित्र स्थान जहाँ गंगा धरती से आशीर्वाद स्वरूप मिलती है। यहाँ गंगा की लहरों में एक दिव्यता है जो हर आगंतुक के। श्रद्धालुओं की भीड़, हाथों में दीप, आंखों में श्रद्धा और मन में आस्था, एक आध्यात्मिक का संकेत है। आस्था, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है कुंभ कलश। उस अमृत का स्मरण कराता है जो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में प्रकट। बहुत खूब। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार की पवित्र पहाड़ियों पर स्थित दो ऐसे दिव्य स्थल है जहां मां शक्ति के दर्शन होते हैं। यह माना जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी हर इच्छा मां मनसा पूर्ण करती है। दूसरी ओर चंडी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालु मां चंडी से अपने जीवन में हर संकट को दूर करने और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना कर